हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं अपनी कुर्बानी का जानवर लेने। मेरी जिंदगी की पहली कुर्बानी है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंडी पे जाकर देखेंगे कि हम लोगों को क्या लेना चाहिए, बकरा लेना चाहिए, गाय लेना चाहिए या फिर ऊंट लेना चाहिए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये दुंबे हैं, ये भी बता। ये क्या दुंबे हैं? अम्मी बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती है। अम्मी क्या करती है, जो 2000 की चीज होती है उसको 200 रुपए का कर देती है। 280 के हैं, कोई सस्ता सा नहीं है 1000-2000 वाला जानवर? कौन है ये लोग? और बस वाइट है, पिंक कलर का जानवर क्यों नहीं? जानवर तो प्यारा है, ये देखो ना, एक ये है और एक ये है, यही ज्यादा खूबसूरत है। हमारा धंधा तो ये, मैं भी सीख रही। कितने प्यारे लग रहे हैं ये बकरे। ये घास खाइए, ब्रश नहीं करता ये, मतलब ब्रश करे तो फिर घास। क्या बोला तूने? एक पैर बोलो भी तो सही कुछ। आप 95 कितना होता है? 45। और ये पता नहीं प्रोफेसर बन के कहाँ बच्चों का फ्यूचर तबाह करने जा रही है। खैर, मैं अम्मी महविश और ये है मेरे चाचू का बेटा फिजान और ये है अपना तैयब यानी कि इन्ना पोना। और हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं अपनी कुर्बानी का जानवर लेने, जो कि हमारी पहली कुर्बानी है। मतलब जब मेरे अब्बू जी जिंदा थे तब जो है वो हमारे घर पे कुर्बानी होती थी, लेकिन जब से मेरे अब्बू जी की डेथ हो गई है और उससे पहले ही माशाल्लाह, मतलब उससे पहले ही जो है हम लोगों ने कुर्बानी करनी छोड़ दी थी। मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं थे जिस वजह से कुर्बानी नहीं हुई। मेरी जिंदगी की पहली कुर्बानी है। हम लोगों ने करने का कोई खास इरादा तो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि इतने पैसे इधर उधर जाया करते हैं, हर बार ईद की जब ईद आती है तो ईद की कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो इस बार की ईद की शॉपिंग होनी चाहिए, लेकिन कपड़े नहीं। इस बार हम लेने जा रहे हैं ईद के लिए जानवर, कुर्बानी के लिए जानवर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंडी पे जाकर देखेंगे कि हम लोगों को क्या लेना चाहिए, बकरा लेना चाहिए, गाय लेना चाहिए या फिर ऊंट लेना चाहिए। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन चलते हैं मंडी, वहां पर जाते हैं और जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी पहली कुर्बानी है। सब इतना ज्यादा खुश थे, चाची भी जाने का तैयार थी, ये चाची भी तैयार था, सब कह रहे थे हम भी चलते हैं, लेकिन हमने कहा कि भाई पहले जाकर देखते हैं, रेट शर्ट चेक करते हैं, फिर सबको लेकर जाएंगे। तो अभी चलते हैं और रेट शर्ट चेक करते हैं, पसंद आ गया तो लेकर आएंगे और ना पसंद आया तो भी लेकर तो आना ही है, और इसी हफ्ते में लेकर आना है। तो चलते हैं और पसंद करने के लिए, और वो जो जानवर होगा फिर उसका रिश्ता जो है वो मैं उससे पक्का भी कर देंगे। नहीं, वो उसका हुआ रिश्ता। मैं और मैं भी जा रहे हैं तैयब के साथ और अम्मी जा रही हैं फैजी के साथ। चलो अम्मी जी बैठो। तो अब मैं, अम्मी और हमारा पूरा खानदान जो है उठ के मंडी आ गया। हम आए तो 10 बंदे हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी नहीं पता कि गाय और बैड़े में क्या फर्क होता है। हमें बस ये पता है कि एक जानवर होता है बकरा, एक जानवर होती है गाय, एक जानवर होता है ऊंट, इनमें फर्क हम लोगों का नहीं पता। खैर, हम लोग आ चुके हैं मंडी। ये मंडी है, ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मंडी है, जहाँ पर बकरे ही बकरे हैं, गाय ही गाय हैं। और कितने का लेना है, हमारे बजट में भी होना चाहिए, ताकि मतलब पैसे की कमी है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम लोग अंदर चलते हैं। हम लोग जिस मंडी में आए हैं ये हमें तैयब लेकर आया, क्योंकि तैयब अपने दोस्तों के साथ आया था कल यहाँ पर जानवर खरीदने के लिए। और इस मंडी का क्या नाम है तैयब? ये मुँह में आपने नसवा रखी, सुपारी निकाल के बात कर रहे बाप। इसके अलावा भी एक दो और मंडियां हैं लाहौर में, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ का हमें पता था। तो चलते हैं और जानवर, कुर्बानी के जानवर को ढूंढने की तलाश शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। ये दो जानवर भी हैं, लेकिन ये हराम है या कुर्बान ना है, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये दुंबे हैं, ये भी बता। ये क्या है? दुंबे हैं। चलो, कुर्बानी के साथ साथ हम लोगों को थोड़ी नस्लों की भी पहचान हो जाएगी आज। खैर, यहाँ पर ऐसा होता है कि गांव से लोग जो है ना अपने अपने जानवर उठा कर लाए होते हैं बेचने के लिए, ठीक है, और फिर यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। ये वाला बकरा, ये बकरा और वो छतरा है, छतरी जैसे मारे तो उसका नाम छतरा है। ये जानवर जो है ये बहुत प्यारा है, क्योंकि ये व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक है। इसके अंदर तीन कलर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गुस्से में है, वो कह रहा है ना छेड़ो मुझे, मैं गर्मी से सताया हुआ, ठीक है। अब मेरे रेट पूछो ना। साढ़े तीन लाख।
मैं पहले कहती थी मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी, मुझे लगता है मुझे अपना आप बेचना कुर्बानी के लिए इतना महंगा जानवर नहीं, बहुत महंगा, थोड़ा सस्ता आगे तो। वैसे मैं अम्मी अम्मी को लेकर आई हूँ क्योंकि अम्मी बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती हैं। अम्मी क्या करती हैं, जो 2000 की चीज होती है उसको 200 रुपए का कर देती हैं, तो आज मुझे लगता है कि आज अम्मी का हमें फायदा होने वाला है। अम्मी कुछ करो ना, पूछने वो अंकल बैठे हैं, मैं उन मछुआरों से पूछो, मछुआरा कहते हैं उसको, नहीं वो नहीं व्यापारी, चलो ना अंकल। ये वाली जो गाय है कितने की है? 3,80,000 की जी। तो ये कम नहीं करते आप? कम करेंगे, कितना कम करेंगे आप बताएं, क्या बोलते हैं आप? ये 3,500 तक हो जाएगा बस। तो ये वाले जो खड़े हैं, ये जो ब्राउन वाले हैं, ये 2,80 के हैं। 2,80 के हैं, कोई सस्ता सा नहीं है 1,000-2,000 वाला जानवर? कौन है ये लोग? अगले जन्म में आएगा, अगले जन्म में तो इससे भी ज्यादा महंगा होगा, शायद कम हो जाएगा। अच्छा ये 2,80 का है, तो आपके पास ब्राउन है और बस वाइट है, पिंक कलर का जानवर क्यों नहीं? पिंक कलर का जानवर वो अभी अल्लाह बनाएगा, फिर आएगा। चलो अल्लाह ताला के बनाने का इंतजार करते हैं, लेकिन अभी हम ब्राउन और वाइट में से को देख लेते हैं। पिंक मुझे लगता है नहीं मिलेगा, आगे चलते हैं जहाँ से सस्ता। वो बेटा कलर हुआ है, वो पिंक कलर का जानवर नहीं है, वो उसको कलर क्या है, आगे चलते हैं, आगे जाकर और देखते हैं। नहीं क्या मुझे तू बता दे, 7,00,000 का? 7,00,000 रुपए फाइनल? अंकल को पता चल गया कि इन बच्चों ने नहीं लेना, अंकल सफाई कर रहे हैं। अंकल कितने का है ये फाइनल, कितने तक का हो जाएगा? 6,500। ये अच्छी बात है कि ये लोग सीधा 50,000 ही कम कर लेते हैं। लेकिन जो भी कहो ये जानवर तो प्यारा है, ये देखो ना, एक ये है और एक ये है, यही ज्यादा खूबसूरत है। ये भी बहुत महंगा है। जब मैंने फैसला किया था ना कुर्बानी का, तो मुझे मेरे घर वालों ने कहा था तुम ना 1,00,000 से ऊपर का बजट रखना, तो तुम्हें इतने में मिल जाएगा। और अब मैं जब यहाँ पर आई हूँ तो परेशान हो गई हूँ मैं, तो बहुत महंगा ये भाई साहब। बात सुने, ये जो है ये बिल्कुल महविश की जैसी है, ये देखे उसकी सेहत भी देखे और ये बिल्कुल महविश जैसी है। इसका क्या रेट है? कितना? 30,000। इतनी छोटी सी बकरी का 30,000? ये दोंदा है ना? क्या है दोंदा? दोंदा क्या होता है? दो दांतों वाला? तो मैंने भी देखा दो दांतों वाला, साडा दोंदा हमारा दोंदा तो ये मैं भी सीख रही। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे हैं ये बकरे, और ये खा रहे हैं खाना। ये जो सींग वाला बकरा है, इसका मुझे पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पहाड़ी बकरा, है ना? Yes. ये अंकल ये पहाड़ी बकरा है ना? नहीं। फिर जमीन वाला बकरा। कौन सा? जमीन वाला? तो ये तो मैंने पहाड़ों में देखा है। ये नहीं नहीं जमीन पर नहीं देखा। ये वहां से लाए थे भाई। तो अच्छा कितने का है ये? 80,000 का जोड़ा या एक? नहीं एक। 80,000 का? बहुत महंगा। एक तो ये नहा कर नहीं आती, इसको हर जगह से स्मेल आती है, याद नहा कर रही है फिर भी इसको स्मेल आ रही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि धूप की वजह से टोपियां पहन कर, ये दोनों नहाए नहीं हुए इसलिए ये टोपियां पहन कर आए। क्योंकि ईद बहुत ज्यादा करीब है, तकरीबन 9 दिन रह गए ईद में, तो इसलिए बहुत ज्यादा रश है लोगों का। हर बंदा जो है वो अपने अपने जानवर के लिए आया हुआ है। हमारे मोहल्ले में तो क्योंकि गर्मी है ना, तो लोग कहते हैं पहले लेकर आएंगे तो फिर बीमार हो जाते हैं जानवर, तो बिल्कुल लास्ट डे पर उसको लेकर आते हैं। लेकिन हम लोग लेकर आए ताकि हम लोग उसका ध्यान रखें, उसको खिलाएं पिलाएं, और फिर उसे एक अपनायत से हो जाती है, फिर उसका दिल भी नहीं करता कि उसको कुर्बान करें, लेकिन जो है सो है। तो अब ढूंढते हैं फिलहाल तो कुछ। ओए घास खा, ये ब्रश नहीं करता, ये मतलब ब्रश करे तो फिर घास। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल बोलो भी तो सही कुछ। अब ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी बहन सैरिश है और ये तैयब है। हम लोग घूमी जा रहे हैं। तैयब मुझे कह रहा है मुझे अपना रेट बता दे, तो मैं तुझे अभी जानवर ढूंढ के दे दूंगा। मैंने तैयब को बता दिया, तैयब जोश में आ गया और ये घूमता जा रहा है। और अब अगर इसने ना जानवर ढूंढा ना, तो मैंने इसको ही सुनो, इसकी रेंज ही नहीं है कोई 80 तक की रेंज है। मैंने 80 नहीं कहा, 3,80,000 ये बकरे बहुत ज्यादा प्यारे हैं। हम लोगों ने सोचा
सोचा कि हम लोग बकरे ले लें, लेकिन बकरे भी बहुत ज्यादा महंगे, तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि पहली कुर्बानी है, सबको गोश्त दें, तो इसलिए गाय। कितने का है? 95 कितना होता है? 95 नहीं नहीं 75 होता है। 95 वेरी एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। ये एक नजर आया तैयब को, छोटा सा तैयब को लगता है कि इसका रेट भी कम होगा, जो कि तैयब से बिल्कुल भी, मतलब तैयब बिल्कुल नहीं आए तैयब को। डर गई, डर गई। बस रहने दे, असीं नहीं लेना लड़ाका, वापस आ जा तू। ये निमरा को बहुत से उसने ठुड्डा मारा। अम्मी देखो, हाँ देखो ला लो। अम्मी इसको कह रही है कि ये वाला नहीं लेना, लेकिन ये डीट है कह रहा है, अम्मी पता तो करन दो किन्ने दा है। कितने का कह रहा है फैजी? 2,10,000। ओ भाई ये तो गाय भी नहीं जाना, बाहर बच्चे ने मारेगा, फायदा नहीं है। नहीं जाना। ये देखें, ये देख कैसा रहा है, कह रहा है बोम्बास्टिक साइड आई। ये इधर तैयब साहब को ठुड्डा। 270 ये वाला दोंदा दोंदा की अंदर अम्मी जी, ना वो ज्यादा बड़ा होता है ना वो छोटा आता है, कुर्बानी के लायक होता है। ये दोंदा के, ये देखो, ये मुझे लगता है ये गुटर घूम कर रहे हैं आपस में। नहीं नहीं ये नहीं कर सकते। क्यों? ये क्यों नहीं कर सकते? ये देखो ना, इनको तो हमें लेकर भी दो को ही जाना पड़ेगा, इनकी तो प्यार मोहब्बत ही नहीं खत्म हो। अम्मी जी दुपट्टा सारा गोबर है, साढ़े 3 का है, बहुत महंगा है। तम्मी तुसी जेड़ा जाके जुत्ती नु 2000 ते 200 ते लेके आंदे, उत्थे भी कुछ करो ना। नहीं वो कोई साथ हो ना आदमी तो ये क्या खुश है? नहीं ये तो बच्चे हैं ना। हाँ चलो अब बड़े तो हो ना, साथ जिन्हें पता हो चीज़। ये तो ये प्यारा लग रहा है, ये इससे पूछो रे। आप पूछे मैं क्या पूछूं? कोई कुछ कम नहीं करेंगे आप? कुछ कम नहीं करेंगे? चौगा चौगा क्या होता है? चार दोंदे से बड़ा है, कुर्बानी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी। तो वो कितने का? 220 का। क्या लगाना है इसका? चार लगाना है। अम्मी अपनी तरफ से बहसबाजी करिए, लेकिन अम्मी से होनी है, क्योंकि अम्मी यहाँ पे सब्जी थोड़ी खरीदने आई है। अम्मी बकरा मंडी में आई है। वो बेचारा उदासी से शक्ल बना के कह रहा है इतने में नहीं आएगा, इतना तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। 2,10 कितने का है? दोंदा पहले तो मुझे नहीं पता होता कि पूछ रहे क्या है, क्या है मैम, मैं पूछ रही थी। दोंदा दो दांतों वाला है तो क्या लगाना है? दो दांतों वाला है, पहले बोले यस। ओए होए शर्मा गए, मैंने तो मुझे दो दांत वाला कहते हैं। तो कम नहीं करेंगे आप? कम नहीं करेंगे आप? 200 रुपए दूंगी। 50 चलो ठीक है, सही बताएं कितना कम करेंगे? अम्मी जी दसो। 120 हमारे ना हमसाये लेके गए हैं। तो हमारे मोहल्ले में अभी कल रात को मेरा भाई गया लेकर आया, एक कितने का? तैयब 1,22 का।
तो हम लोग तो फिर भी 1:30 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 1:30 तक भी नहीं हुए मान लो। क्यों ये बात है आप बताएं ना। ये लड़की तलाशे गुमशुदा है, अगर कोई एलिस को लेना चाहते तो वो ले ले। आपके साइज का, आपके साइज का तो कुछ भी नहीं है वैविश यहाँ पे। आपने क्या रेट लगाना है, आप अपना भी तो रेट बताए ना, आपका क्या रेट है? किसकी करनी चाहिए तो फिर आपको करते। बकवास कर मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, जहाँ मुझे व्हाइट कलर अंदर ही आप है। कितने का ये वाला? 280। क्यों क्या कह रहे हैं, आपकी समझ नहीं आ रही? तो आपने महंगा बताया ना, आप देने वाली बात कर रहे हैं। 150 रुपया देगा। 120 का। इतनी इतने में घूम घूम के मेरे पाँव का हाल देखें आप, क्या हो गया? काम कहाँ पे चिट्टे हैं यार? मैं इसका लग रही है प्यास, मैं कह रही है पता नहीं तुम लोगों ने जानवर लेना क्यों लेना, मैं प्यास लगी मैं पानी पी। तैयब इधर बहसबाजी करते हुए, ये देखें ये जानवर कितना प्यारा है, मुझे इतना प्यारा लग रहा है इसका। चलो पूछते आते हैं रेट, मुझे पता है ये हमारे बजट से बिल्कुल आउट होगा, लेकिन पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कितने का है ये आप जानवर नहला रहे हैं? कितने का है ये? 26 लाख। और वो वाला, वो जो ब्राउन और वो वाला है, 19 लाख का। ये प्यारा जानवर है, मुझे जानवर तो पहचाना नहीं, इंसानों ने पहचाना भाई। 26 लाख का जानवर और मुझे ये बहुत पसंद आया, अल्लाह ताला मुझे इतना दे के मैं एक भी 26 लाख का। अंकल जी ये कितने का है? 220 से तो छोटा सा है, ये भी आपने 220 का लगाया था। कम करें, 1,30,000 1,30,000 2,10 दे दो, मैं 1 लाख दी के आई हूँ। 1,30,000 ये तो छोटा सा अंकल, देखें छोटा सा। सही है, बाबा जी से बहस करते हैं और बाबा जी अपना टिफिन दिखाते हैं। बाबा जी कह रहे हैं ना बेटा तैयब ने आज मुझे खरीदने का तरीका भी बताया है। क्या तरीका तैयब? जैसे 170 आएगा हम डेढ़ के। ये आपको सही नहीं बता रहा, मैंने एक अंकल से, अंकल डेढ़, अंकल तैयब कह रहे सीधा डेढ़ नहीं कहते, कहते हैं 130 ताकि वो 170 का हम उसको डेढ़ पर मना ले। मस्त प्लान है, बीच का सौदा आज मतलब खरीदने का भी मिल गया। और जैसे ही आप जानवर को देखें, आप ये ना किस जानवर बहुत प्यारा, आपने कहना बस ठीक ही है, ठीक ही है, फिर जो है वो सौदा हो जाता है। और शाम हो गई है, हमारा सौदा नहीं हो रहा क्योंकि हमारे साथ मैं लेकर भी ये देखें ये टटपुंजे से आई हूँ जिनको कुछ पता ही। मैं सोच रही हूँ किसी बड़े को लेकर आऊँ दोबारा और फिर हम लेकर जाएं। अभी हम 15 मिनट घूमेंगे, मिल गया ठीक है, हमारा सौदा आ गया ठीक है, तो हम घर जाएंगे। ये मिला, फिलहाल प्यास लग गई है, पानी पीते हैं, फिर दोबारा से ढूंढने की जो तलाश है वो शुरू करते हैं। ये हकीमी शरबत पीते हैं, हकीम का शरबत। कितने का ग्लास अंकल? शुक्र है अंकल ने 50 का, ये नहीं कहते 2.5 लाख का है, 2.5 सुन सुन के मेरे कान के अंदर 2.5 घुस गया। ये बस ऐसे मुझे और अम्मी को और वैभव को यहाँ छोड़ के गए हैं कि हम लोग तुम्हें ढूंढ कर ला के देते हैं। और अब हम लोग कहाँ जाएं, अगर हम लोग भी चले गए वो भी चले गए फिर हम घूम जाएंगे। तो यहाँ पर बैठी थी, मुझे अंकल नजर आए, इनके पास बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से जानवर है। मैं थक गई थी तो मैंने अंकल से पूछा, अंकल ये कितने का? अंकल ये वाला आपका कितने का है?
कितने का? 8.5 लाख का। और वो व्हाइट वाला? 7.5 लाख का। तो कल ये कुछ कदरे महंगे नहीं है, बहुत महंगे हैं। ये क्यों इतने महंगे हैं? अरे महंगाई बहुत है। तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि आप लोग सीधा 6000 से जाना चाहते हैं। जिला भावनगर तहसील हरुणाबाद। इतनी दूर से अंकल लेकर आए, इसीलिए अंकल लगाए कि मैं इसको महंगा बेचूंगा। खिलाते क्या गिरी बादाम खिलाते हैं? इतने महंगे आप लोगों ने लगाया, मुझे लगा आप इसको ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। अच्छा फाइनल फाइनल क्या करेंगे? तो 2 लाख आपने सारी भैंसों का दिया होगा ना? तो एक का तो नहीं ना दिया? 12 लेकर आए ना, तो मेरे से आप एक ही बात करें ना, फाइनल कितना देंगे? मैं सोच रही हूँ जिन्होंने 26-26 लाख की भैंसें रखी हुई हैं, 6-6, 7-7 लाख की रखी हैं, वो तो अमीर है। आप तो बहुत अमीर हैं अंकल, आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास तो ये है। तो जो मालिक होगा वो तो अमीर होगा ना? कितनी एक जमीने हैं उसके पास? 8 किले? 8 किले ज्यादा है अम्मी जी? 10 किले? 10 किले? मतलब अमीर है, मुझे उस मालिक से मिलना है। ये देखें, ये थक हार कर आ गए हैं, इनको लगता है कि हम निमरा को कहेंगे कि हाँ निमरा मिल गया, लेकिन इनकी शक्ल हाँ मिला कुछ है? हाँ देखे तो है यार, कुछ मिला भी है कि नहीं? अच्छा एक मिला, एक 30 का, एक 30 का है। देखते हैं जाके, आ जाओ आप। ये कह रहे हैं कि 70 तक भी मिल जाएगा अंकल। पता क्या कह रहे हैं अंकल? कह रहे हैं बेटा 70 तक में भी मिल जाते होते हैं। तो मिल जाते होते हैं, वो उसके हिसाब से मिलते हैं। आप कहते हैं आप मंडी घूमो, यहाँ पे मिल जाते होते हैं 1 लाख में, 1 30 में, 1.5 में मिल जाते होते हैं। तो 1 30 में हम देख के तो आए हैं, आपने देखना है तो आ जाओ। ये मारता है भाई, ये मारता है यार, कोई मारता है क्या तेरे? इस वाले अंकल ने जी रेट लगाया है 1,35,000। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह। कलर भी नहीं अच्छा, वो वाला अच्छा लगा। ठीक होगा बाजी, जो रोग पसंद है उसे ले लो। उसका डेट लगाए ना? डेट का डेट का नुकसान है। क्या नुकसान है? आपने कितने का लिया? आपकी तो अपनी होती है, खुद ही आपको पाल। सीधा ला जाओ 2-10 मोल की दम बाजी का सीधा। 1.75 का ले जाओ। ऐसा ना औरतों ने वेख के ज्यादा खाने मर्द कोई आएगा ना फिर जानवर खरीद दे, उन्होंने पता नहीं। पता क्या कह रही है अम्मी? कह रही है कि औरत को देखकर जो है वो इतने पैसे लगा रहे हैं, मैंने सारी जिंदगी गाय में गुजारी, कैसे मतलब मेरी अम्मी गायों को चारा डालती बड़ी हुई है, तो अम्मी कह रही है मुझे पता है क्या रेट होते हैं क्या नहीं। 1.60 कह दूं? नहीं तुरंत इन्हें कहते ना जाए इन्हें पढ़ो। 2000 years later. भाई जो तैयब ने बच्चा ढूंढा था 1,30,000 का, उसको अम्मी ने रिजेक्ट कर दिया। अम्मी कह रही है कि नहीं लेना। अब तैयब को चढ़ गया गुस्सा, तैयब ने खींच लिया केला, कह रहे चलो चलो घर चलो, मैंने नहीं अब लेना ये वो। और अब वो गुस्से से आ गया कि जा रहे, अम्मी पीछे पीछे जा रही है। और अभी इस वक्त हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके आपको सिचुएशन बताती हूँ। यहाँ पर खड़े खड़े हम लोगों को कोई 20 मिनट हो गए हैं, हम लोग कब से खड़े हैं, कोई अभी तक जगह ही नहीं बन रही है। हम लोग मैं तैयब से कह रही हूँ अपनी बाइक निकाल के लाओ, हम लंबे रास्ते से जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खड़े रहे, क्योंकि वहाँ पर एक ऑटो रिक्शा जो फंस गया, इतनी सी गली है माशाल्लाह से, उधर से कुछ निकल ही नहीं रहा। खैर अब हम लोग निकलते हैं, जाते जाते भी हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग जाएगा। जो है वो जानवर नहीं मिला, हम लोग थक हार के जो है वो घर आ गए हैं। अम्मी और तैयब के बीच तो बहस ही हो गई कि भाई लेना भी है कि नहीं लेना। अम्मी कह रही नहीं वो हमें चूना लगा रहे हैं, वो बहुत महंगा दे रहे हैं। तैयब कह रहे इतने में ही आता है। खैर बहस बसी करने के बाद जो है हम लोग अब घर आ गए हैं। अम्मी कह रही है हम किसी बड़े को लेकर जाएंगे जिसको एक तो जानवर की पहचान हो कि जानवर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, और दूसरा वो रीजनेबल प्राइस में, क्योंकि जब आप जानवर लेकर आएंगे फिर उसके मतलब उसको रखेंगे तो उसका खर्चा, फिर ईद के दिन जब उसको कुर्बानी करनी है तो कौन कसाई जो कसाई होता है फिर उसका खर्चा, तो मतलब बजट के अंदर अंदर ही करनी है, ठीक है? तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। खैर हम लोग अब आ चुके हैं घर, हम लोग दोबारा जाएंगे। मैं जब दोबारा जाऊंगी और जब मैं कुर्बानी का जानवर सच्ची में ले लूंगी, मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी, आपने उसको भी देखना है। फिलहाल के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा।
और क्योंकि अभी मैंने जानवर नहीं लिया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं कौन सा जानवर लूँ। सो अल्लाह हाफिज़।